जय माता दी। नवरात्र का चौथा दिन। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी जी की स्वरूप की पूजा उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। नवरात्र में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में जाना जाता है और अपनी मंद हल्की सी हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि नहीं थी तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था और तब इसी देवी ने अपने ईषत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी, ऐसा माना जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके सात हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण, कलश, चक्र तथा गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुंभड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुंभड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा जी कहते हैं। इन देवी का वास सूर्य मंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की क्रांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इन्हीं के ही तेज से दसों दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन देवी की पूजा आराधना करना चाहिए। इससे भक्तों के रोगों को शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। यह देवी अल्यकल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से पद परम पद की प्राप्ति होती है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। यह देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती हैं। अतः इस देवी की उपासना करने से भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो ये कथा आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 लोगों को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।